अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉय योर लाइफ। आपके बेटा एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम्स सितंबर में हों, तो लेक्चर काइंडली साथ साथ लें। मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगी ताकि आप लोग बिजी रहो काम में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डेट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ डेट, हाउ टू ओवरकम इट, व्हाई वी टेक डेट, व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट ऑन आवर डेट, and what is the situation of Pakistan now, can it will overcome the issue of circumstances that we face, and the most important thing, can we pay out our debt in coming 5 years, or can this government will pay or after this. These all are the issues, and these are the major issues that we are facing. First of all we will see that what is debt. Actually debt is the amount that you borrow from one or another party. यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल बात करेंगे एक पर्सन की। सपोज यू नीड सम मनी, ठीक है, और आप अपने रिलेटिव से उसमें लो लोगे। यू कैन बोरो फ्राम योर रिलेटिव, यू कैन बोरो फ्राम योर फ्रेंड्स, बट सम डेट इन आवर पर्सनल लाइफ कैन नॉट बी रिटर्नेबल एंड इट इज इंटरेस्ट फ्री। बट इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट दैट प्रिवेल इन द इकोनमी दैट टेकन बाय आर कंट्री, इट शुड बी विद सम प्रॉपर कंडीशंस एंड विद द इंटरेस्ट रेट। सो हेयर यू कैन सी एन अमाउंट ऑफ मनी बॉर्ड बाय वन पार्टी फ्रॉम अनदर। मैनी कॉरपोरेशन इंडिविजुअल्स यूज डेट एज मेथड फॉर मेकिंग लार्ज परचेजेस दैट दे कुड नॉट अफोर्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। इस बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सबको एलबोरेट करूँगी कि बेटा हम जब टैक्स लेते हो किससे, जब हम लोन लेते हो लोन किस लिए लिया जाता है। अगर हम अपने पर्सनल बिजनेस की बात करें तो बॉयज़ को ज़्यादा आइडिया होगा इस बारे में कि जब हम कोई कारोबार करना चाह रहे तो हम चाह रहे थे हमारे पास एक लमसम अमाउंट हो तब हम कारोबार शुरू करें, ताकि हम लोग जो चीज़ों की खरीदो फरोख्त है वो एक टाइम पर कर लें, ताकि हमारा बिज़नेस जितना अच्छा हम जितना ज़्यादा पैसे लगा के करेंगे उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा, डेफिनेटली उतना ज़्यादा ही पीक पे जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी टेक डेट, बिकॉज किसी के पास भी इतनी अमाउंट नहीं अवेलेबल होती घरों में, या उसके भी पास सेविंग्स हो सकती हैं लेकिन इतनी अमाउंट अवेलेबल नहीं होती कि वो जो है उसको यूटिलाइज करके बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, देन हम देखते हैं, हम जब बिज़नेस स्टार्ट करना होता है हमें एक लार्ज अमाउंट में वैल्यू चाहिए होती है जिसको हम बोरो करके तो हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है डेफिनेटली बिज़नेस आपका उतना ज़्यादा पीक पर जाता है, और हर इंसान कोशिश होती है। आपने अक्सर देखा होगा एक ह्यूमन नेचर भी है, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं एक चीज़ दो दुकानों पे अवेलेबल है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होगी, जो मतलब दुकान भी हमें एक बात अच्छी लग रही होगी जहाँ पे शीशे वगैरह लगे होंगे। ह्यूमन साइकी है ना, एक अट्रैक्शन होती है चीज़ों के साथ। तो एक बिजनेसमैन का हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसके पास इतना डेट हो के वो जो है एक बड़ा काम करे। इस तरह कंट्रीज में जब कोई बड़ा काम करना होता है जस्ट लाइक ऑडिज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और इस तरह के अदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को जो था डेट की ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे थे वो इतनी अमाउंट में नहीं थे कि उनको यूटिलाइज करके तो जो है प्रॉपर तरीके से आपके पास बना लिया जाए, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया जाए। तो जो डेट की अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरी पार्टी आपको देती है। दूसरी पार्टी यहाँ पे कौन होगी हम आगे देखेंगे, पाकिस्तान को डेट कौन देता है
और यहाँ पे तो सिर्फ डेट देने की ये कंडीशन नहीं है कि मैं आपको 1000 देती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ 1100 में तो वापस कर देना। यहाँ पे मैं आपके साथ कंडीशन भी लगाऊंगी कि आपने मुझे इस टाइम में देना है और आपने इस पैसों को सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना है, इसके अलावा आप ये पैसे कहीं यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी कि आपने जॉब क्या करोगे, मुझे ये 1000 रुपीज़ कैसे दोगे। मैं पूरा आपका बायोडाटा लूँगी, अपनी कुछ कंडीशंस लगाऊंगी आप पे, ठीक है। तो इस तरह जैसे हम जनरल रूटीन में नहीं करते, लेकिन अगर हम कंट्री के डेट की बात करें तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक वगैरह जब हमें लोन देते हैं या अदर कंट्रीज़, तो अपनी कुछ कंडीशंस रखते हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये बंदा जो है मेरा डेट कैसे वापस करेगा, ठीक है। और ये एक जनरल फैक्ट भी है कि अगर देखो आपके आपको पता है कि आप इसको पैसे दे रहे हो, दो दोस्त हैं आपके, ठीक है, और एक आप दोनों को ज़रूरत है, ठीक है, दोनों आपसे मांग लेते हैं, और एक जो है बिल्कुल ही आपको पता है निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता, इसके पास मतलब कोई अर्निंग नहीं है, खा पी जाता जो भी इसके पास होता है, और आपको उससे उम्मीद नहीं है कि इसको आप ये वापस करेगा। और एक आपको पता है, ठीक है जी, हार्ड वर्किंग है, फाइनेंशियली ठीक है, उसके साथ आपके पहले भी लेन देन है, तो आप उसको देना ज़्यादा प्रेफर करोगे। इससे ना एक कंट्री की रेपुटेशन होती है, आपको पता है पाकिस्तान को आपको कर्ज़ा देने को तैयार नहीं होता, जिस तरह की हमारी वर्स्ट कंडीशन हो गई है। नेक्स्ट है डेट मैनेजमेंट। डेट को हम मैनेज कैसे करेंगे? एक फॉर्मल एग्रीमेंट है आपके पास डेटर और क्रेडिटर के दरमियान में। अब डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, मैं आपको पहले ये समझा दूँ। तो सिंपल आपको शॉर्टकट में ये कहूँगी कि डेटर वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, और क्रेडिटर वो आप कंसीडर कर लो कि जिनके आप जिनको आपने देने होते हैं। जैसे लाइक मैंने अगर आपको देने हैं तो आप जो हो मैं आपके लिए आपका क्रेडिटर हूँ, मतलब सॉरी डेटर हूँ और आप मैं आप क्रेडिटर हूँ, ठीक है। इस तरह अगर आपने किसी कोई चीज़ आनी है आपके पास तो मतलब यू विल कंसीडर इट डेबिट, और कुछ जाना है तो क्रेडिट। डेट मैनेजमेंट जो होती है आपके पास हेल्प करती है कि आप रिड्यूस कर सको आउटस्टैंडिंग्स को, अनसिक्योर डेट्स को। अनसिक्योर डेट्स कौन से होंगे? ऐसा कर्जा जो आप दे रहे हो किसी को और आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो डेट मैनेजमेंट नहीं होती है कि आप प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो हर चीज़ को, आप इंश्योर करते हो कि आप किसी को कर्जा दे रहे हो तो क्या आपको कर्जा देने की वापस सिचुएशन में है, और अगर आपको कर्जा देगा भी तो कितनी देर तक वापस दे देगा। डेट एक बुरी चीज़ नहीं है, डेट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से बूस्ट यूज़ किया जाए तो ये आपकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर देती है, पर कंडीशन क्या है, अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जाए। अभी मैं रिसेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी कि ऑरेंज ट्रेन है, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है, एक पूरा फ्रेमवर्क आपके पास तैयार है, फ्रेमवर्क भी नहीं अप्रॉक्सीमेटली 80% आपके पास काम तैयार है, तो वाई यू नॉट इन्वेस्ट मोर 20% ऑन इट? क्योंकि जब हम जब आपके पास इतना बड़ा हिस्सा गुजर गया, कितना हाथी गुजरेगा तो पुशल रहेगी, वो एक मिसाल बनी हुई है मेरे डोंट माइंड, ये भी मेरी जिसने डिस्कशन हो रही थी वो टीचर ही हैं PhD, तो उन्होंने ही मुझे मिसाल दी थी ये प्रोजेक्ट की, तो हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की मिसाल आजकल हमारी ओरिएंटेड की हुई है, इसको चल जाना चाहिए। तो सेम यही कंडीशन है कि आप इसके लिए भी हमें फर्दर डेट की ज़रूरत है, लेकिन इमरान खान इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो एक डेट ना दिए जाने की वजह ये भी बहुत ज़्यादा होती है कि एक गवर्नमेंट लेती है और दूसरी गवर्नमेंट उस चीज़ को जब लेके एक गवर्नमेंट लेके जो नया काम शुरू करती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट उस काम को सपोर्ट नहीं करती, डेट भी हमारे ऊपर चढ़ जाता है, कर्जे के नीचे भी हम डूब जाते हैं, और हम जो काम करना चाह रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं होता। और डेट मैनेजमेंट में आपके पास मिस मैनेजमेंट आ जाती है चीज़ों की, ठीक है, जब आप मिस मैनेज करते हो चीज़ों को तब भी आपके पास बहुत वर्स कंडीशन बन जाती है।
डिवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके पास होती है, सोशल पब्लिक इंटरफेरेंस होती है जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपकी करंट रिपोर्ट देखी जा रही होती है कंट्री की कि इस वक्त जो आपकी कंट्री है जिसको दिया जा रहा है लोन, ठीक है, तो वो कौन कौन से इश्यूज़ फेस कर रही है और इस वक्त वो प्रेजेंट वो किस कंडीशन में। इस वक्त वो किस कंडीशन में प्रवेल कर रही है ये बहुत मैटर करता है। वो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है फ्रेंड्स की, तो आप देखोगे कि इस वक्त आपका दोस्त किस कंडीशन में लाइक कर रहा है, आने वाले वक्त में ही आपको पैसे दे सकेगा नहीं दे सकेगा। डेट के जो तीन टाइप्स हैं, पब्लिक, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल। पब्लिक जो आप अपने पब्लिक से भी लोन ले सकते हो, डोमेस्टिक मतलब अपने मुल्क के अंदर ही आप आपस में मतलब किसी और से लोन ले रहे हो, या आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या कोई आपको NGO इस तरह का कोई भी आपको डिपार्टमेंट जो है कर रहा है। और एक्सटर्नल के आप अपने कंट्री के बाहर से किससे लोन ले रहे हो, अदर कंट्रीज से या फिर IMF या वर्ल्ड बैंक से। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस करें डेट मैनेजमेंट को, तो हम देखेंगे कि इसकी वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान का जो डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं हमारे पास, हम इसको अच्छी तरह सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता इसको कैसे रिकवर आउट करना है, और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूव होने की, और इम्प्रूव हो भी सकता है। यहाँ पर हमारे पास आ गई है प्रोफाइल ऑफ डेट, और ये मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली, पब्लिक डेट, डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट। पब्लिक डेट क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। हमारे पास एक क्वांटम ऑफ डेट होता है, ठीक है, जिसको हम रुपीज़ में डोमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, डोमिनेट होते हैं हमारे पास। जस्ट लाइक हम पाकिस्तान से ही अगर करेंसी लें, लोन लें, तो वो तो रुपीज़ में ही होगी ना, क्योंकि अगर हम बाहर से लेंगे तो देन हमारे वो डॉलर्स में होगी, लेकिन अगर हम रुपीज़ में ही बात करें तो वो अमाउंट हमारे पास रुपीज़ में ही होगी। और ये कहाँ होती है, ऑन डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें आपके पास कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। पब्लिक डेट में आप सिर्फ पब्लिक और जो है आपके पास आपकी गवर्नमेंट वो लिंक आउट कर रहे होते हैं। आपके पास एक पोर्शन होता है डेट का जिसको आपने चार्ज करना होता है एज अ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, जिसको आप एज अ पब्लिक डेट में कंसीडर करते हो। पब्लिक डेट आपके पास गवर्नमेंट की जो होती है इंडेबनीज होती हैं, पब्लिक डेट पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन आपको बाहर का डेट जो है एट अ टाइम जो आपके पास टाइम डिसाइड हो गया आपको उस टाइम पर वो पे आउट करना पड़ेगा। डेट जो होता है वो चार्ज आपके पास बजट पे आप करते हो, गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ जो होते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ क्या हैं आपके पास, आपके पास टैक्स हैं, फीसिस हैं जो सारा आप कलेक्ट कर रहे हो, आपने किसी से डेट लिया वरना आपको इसका फिक्स एक पोर्शन रखना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक होना चाहिए कि आपने इतने पैसे दे देने। लेट्स सपोज एक सैलरी मैन इनकम है, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है 30,000 और उसने किसी लोन भी लिया हुआ है, तो उस लोन के अमाउंट के अकॉर्डिंग उसको अपने सैलरी में से कुछ रख लेना चाहिए हर मंथली के वो आने वाले टाइम तक उसका लोन रिकवर कर दे, नहीं तो साथ साथ भी कर देगा तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली सारा वही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ये डिटेल आपके पास इसको स्किप करके नेक्स्ट आप देखेंगे पब्लिक डेट का हमारे पास चार्ट है। पब्लिक डेट डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, बिलियंस में अगर हम इसकी वैल्यू देखें, GDP में, रेवेन्यू, टोटल डेट, सारा डाटा आपके पास गिवन है, और इसका जो सोर्स है वो आपके पास है बजट विंग, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड डेट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ऑफिस स्टाफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि कहाँ से डाटा लिया, क्योंकि एक डाटा का प्रॉपर सोर्स होता है, कोई भी आप खुद से एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये चीज़ ऐसे है ये ऐसे है। तो आपके पास जितना भी आप इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी में, अगर आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसमें, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट या डेट वगैरह के कोई भी अमाउंट लिखते हो, तो उसके साथ आपका सोर्स होना बहुत ज़रूरी है कि ये सोर्स कहाँ से आपने अमाउंट ली है, कैसे आपको पता लगा कि ये चीज़ ऐसे है। डोमेस्टिक डेट पे आ जाते हैं। डोमेस्टिक डेट हमारे पास वो डेट है जो हम अपने मुल्क के अंदर से ले रहे हैं, पब्लिक से नहीं ले रहे, ये हम अपनी फाइनेंशियल मार्केट से ले रहे हैं, अपनी अदर गवर्नमेंट से ले रहे हैं, जो आपस में हम लोग अपनी फाइनेंशियल मार्केट से लिंक आउट करके लेते हैं, ठीक है। इसके तीन टाइप्स हैं हमारे पास, मीडियम, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। यहाँ पर मीडियम और लॉन्ग टर्म का ही जिक्र किया गया है, अच्छा शॉर्ट टर्म भी है। शॉर्ट टर्म जो होती है फ्लोटिंग डेट में चली जाती है हमारे पास, तो सिंपल है ये पॉइंट भी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम लोगों ने अपने जो डोमेस्टिक ट्रेड हम सॉरी डेट है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है,
तो उसके लिए क्या पॉलिसीज होंगी उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास, कि अगर हम अपनी दूसरी किसी अपनी ही कंट्री से डेट ले रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम अपनी कंट्री का लेके पैसा अपनी कंट्री में ही लगाते जा रहे हैं, तो जिस सोर्स से या जहाँ से हम ले रहे हैं उनके पास कमी नहीं हो जाएगी क्या? आउटस्टैंडिंग डाटा हमारे पास, आप लोग और अकाउंटिंग स्टूडेंट नहीं, आपको आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म में बताई थी। आउटस्टैंडिंग होता है हमारे पास जो हम लोगों ने पहले ही मतलब लिया सर्विसेज जिसकी पहले ही यूज़ की होती हैं, आपने पहले इसको पैसे दिए होते हैं, जस्ट लाइक सॉरी सर्विसेज पहले यूज़ की होती हैं, पैसे आपने बाद में देने होते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको कोई डेट मिलता है, कोई कर्जा मिलता है और आपको कहते हैं चलो ठीक है आप इस कर्ज़े से काम कर लो, जब आपका काम हो जाएगा आप मुझे तब पैसे दे देना, उसके लिए कोई कंडीशन आपके साथ नहीं लगाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग डोमेस्टिक डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ईयरली दिया हुआ है कि किस किस ईयर में क्या क्या कंडीशन आपके पास पर किस किस ईयर में आपके पास कौन कौन सी कंडीशन पर अवेल करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास किस किस टाइप के लोन होते हैं, मार्केट लोन्स होते हैं आपके पास जो आप मार्केट से ले रहे होते हैं, गवर्नमेंट मार्केट से ले रही होती है, और जैसे जैसे लाइक अगर ऑरेंज ट्रेन हमारे पास बन रही है तो ऑरेंज ट्रेन में जितना भी आयरन वगैरह यूज़ हुआ है ठीक है, तो अगर हम वो अपनी इंटरनल मार्केट से ही लेते हैं
वो हम एज अ लोन ले लेते हैं कि आप हमें ये पे कर दो, ये हम लोन दे रहे हैं, प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, जैसे ही प्रोजेक्ट चलेगा तो हम आपकी अमाउंट पे कर देंगे। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, प्राइस बाउंड्री होते हैं, सर्टिफिकेट्स एंड मच मोर। काइंड ऑफ डोमेस्टिक डेट की आगे से तीन टाइप्स हैं हमारे पास, परमानेंट डेट, फ्लोटिंग डेट और अनफंडेड डेट। परमानेंट डेट हमारे पास, परमानेंट डेट में कंसिस्टली ऑफ मीडियम और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान बॉन्ड्स। जैसे लाइक अगर हम बात करें कि ये बॉन्ड हमारे पास परमानेंट बॉन्ड इसलिए कंसीडर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पे नहीं करना, लेकिन इसकी आपके पास ड्यूरेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, कि आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा होता है कि आप उस टाइम पीरियड के बाद इसको पे कर सकते हो, इसके ऊपर टैक्स की अमाउंट भी रीज़नेबल होती है। फ्लोटिंग डेट ऐसा होता है जो चलता जा रहा होता है कि 12 महीने बाद आपने उसकी किस्त देनी होती है, और ऐसा होता है कि आपको उसके ऊपर जैसे लाइक सूद का आपने वर्ड सुना होगा, अक्सर बैंक्स भी ऐसा लोन या अक्सर इदारे हैं जो अकाउंट आपके पास देते हैं आपको पैसे। अनफंडेड डेट होते हैं आपके पास ये जो आपको नेशनल सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं उनके थ्रू जो आपको है पे किए जाते हैं, और इसका जो मोटिव होता है बेसिकली ये होता है कि आप लोग अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज़ करो कि आपके आने वाले वक्त में आपके पास सेविंग्स भी हों। पे एक्सटर्नल डेट है कि आपने अपने बाहर कंट्री से क्या क्या पे करना है, ठीक है, स्टेट बैंक के पास इसका पूरा रिकॉर्ड होता है कितना पे किया जा रहा है और कितना किस टाइम तक करना है, इसको शॉर्टकट कर रहे हैं। आपके पास एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल डेट आपके पास कितना है बाहर आपने लोगों को कितना पे करना है, लाइबिलिटीज़ कहते हैं जिम्मेदारियों को कि आपके पास कर्जा देने में कितनी कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो यहाँ पे आप रेशो देखोगे कि बैंक से हम लोगों ने 3% बोरो किया हुआ है, 3% हम लोगों ने बैंक को देना है, 4% हम लोगों ने इंटरनेट जो कंपनीज़ हैं उनसे लिया हुआ है, IMF से हम लोगों ने 9% लिया हुआ है, सिंपल आपके पास साइड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम लोगों ने टैक्स लिया हुआ है लोगों से। तो मतलब एक पूरा सर्कल आप देखो तो 360 का आपके पास सर्कल तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे इसको 100 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल डेट का साइड रेशियो 2013 तक इसमें डाटा दिया हुआ है कि 2013 में आपके पास 44.3 $44.3 billion था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि इमरान खान ने भी बहुत ज़्यादा जो है कर्ज़ा लिया है, इतना लास्ट 5 years में नहीं लिया गया जितना हमारे पास इस हुकूमत ने कर्ज़ा लिया है। अब आई डोंट नो इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना है। मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन आपके पास होते हैं मोर देन 1 year के लिए जो यूटिलाइज होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं आपके पास विद इन वन ईयर होते हैं, विद इन 1 year आपको वो डेट वापस करना होता है, ये तो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म लोन जो है जो आपके पास कंट्री है वो शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेती है, क्योंकि अगर उसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे वो एक साल के अंदर अंदर कर्ज़ा वापस कर दे तो वो कभी भी कर्ज़ा ना ले, उसको ज़रूरत ही ना पड़े लेने की। और जी नेक्स्ट आपके पास है रिस्ट्रिक्शन ऑन पे स्टेट अगेंस्ट फॉरेन डेट। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं स्टेट बैंक की तरफ से कि आप फर्दर डेट नहीं ले सकते, क्योंकि जितना आप डेट लेते हैं उतना कर्जे के नीचे जब इंसान आ जाता है तो क्या होता है, अगर आपने एक बात किसी नेबर से भी लिया होगा तो क्या करेगा वो, एक आपको पहले तो तंग करता रहेगा, तंग जब आप नहीं उसको रिकवर करोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको स्नैच करेगा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एक वक्त आएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ स्नैच हो चुका होगा। तो ये आपके पास एक शॉर्ट समरी थी डेट की। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेट की क्या क्या रीजंस होती हैं, डेट जो है क्यों प्रवेल करता है मार्केट में, और हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसकी रेमेडीज़ देखेंगे बेसिकली कि हम लोग डेट को कैसे रिकवर कर लेते हैं। आपके पास बेसिकली जो आपके टॉपिक्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 ही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पॉवर्टी हो गया, डेट है आपके पास, इसके अलावा देखूंगी मैं 1-2 ही होंगे, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह देखना है, आपको हर चीज़ की पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर ये चीज़ ऐसे है इसका ये नुकसान है इसको हम ऐसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, तो रिकवर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, पॉलिसीज़ आपको खुद आनी चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर क्योंकि पेपर में पॉलिसीज़ लाजमी पूछी जा रही होंगी, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आता है आप उसी लिहाज से तैयार करो जिस लिहाज से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कि आपसे ये पूछा जा सकता होता है कि जी डेट क्यों लिया जाता है, ठीक है, और डेट कैसे हम पे कर सकते हैं, आपके माइंड में इसके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं,
और इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को करंट डेट पता होना चाहिए कि आपके पास करंट डेट कितना है, कितना रिकवर हो गया। इसके लिए भी आप स्टेट बैंक का जो मैंने आप लोगों को इकोनॉमी सर्वे कहा था वो उस आप उसको विजिट कर सकते हो। जब आप उसको दोबारा गो थ्रू करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने का जो डेट है फ़िलहाल पाकिस्तान में क्या प्रवेल कर रहा है। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में से आपको कोई असाइनमेंट भी साइन करूँगी।